आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको भी कैंट सेंड रिक्वेस्ट कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अगर आप किसी को यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं तब ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है आखिर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियोज़ को लाइक कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पर फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, और आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जितनी भी आप यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड करना चाहें कर सकते हैं, और किसी को यहाँ पर भेज भी सकते हैं ठीक है, और आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको एक रिपोर्ट करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं आपको इसमें ज़्यादा तामझाम वाला नहीं दिखाऊँगा ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स मिलेगी, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, तो आपको इसमें डायरेक्ट रिपोर्ट के ऑप्शन पर आपको जाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है फेसबुक लाइव ठीक है। इसमें यह है कि ये फेसबुक है, और ये नहीं है कि इसमें कुछ और फीचर्स होंगे, उसमें कोई और फीचर्स होंगे ठीक है। ये फेसबुक का ही दूसरा वर्जन है, और आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैंने इसे डाउनलोड करके ही यहीं से ही रिपोर्ट की थी। उसके बाद में जो मेरी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सॉल्व हो गई थी ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है। आपको यहाँ पर अगर ये ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्रिएटर पेज का ठीक है, जो कि आप यहां पर रील बनाकर और आप यहां से पैसे कमा सकते हैं ठीक है। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में आपको यहां पर मिल गया है थ्री लाइन का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि मैन मैन ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है। तो आपको इसी में ही शायद आपको यहाँ पर मिल जाएगा डायरेक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटर रिपोर्ट प्रॉब्लम ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां से डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, तो आपको यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप इसे चाहें तो पढ़ भी सकते हैं ठीक है, वरना आपको यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन मिल गया है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है ठीक है, तो आपको प्रोफाइल से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आप यहां पर प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपको अन्य किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फेसबुक थी ठीक है, जैसे कि जो फेसबुक थी उसमें ये सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे थे ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन हैं वो अलग अलग हैं ठीक है। अब आपको जिस भी तरीके की दिक्कत आती है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट ही रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली हमें कट करना है। कट करने के बाद में अगर आपके फ़ोन में ट्रांसलेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये गूगल से या फिर आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद में आपको वही स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरीके से आपको डायरेक्ट इसे कॉपी कर लेना है ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर सिंपली बैक करना है और यहां पर आपको पेस्ट कर देना है ठीक है। इससे यह है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नोट हो जाएगी, सबसे अच्छा तरीका यही है ठीक है। और आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ठीक है। जिस तरीके की दिक्कत आ रही है कि आपको कितने दिन से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिख सकते हैं ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है ऐड इमेज, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, अपना स्क्रीन शॉट गैलरी में से यहाँ से ले लेंगे ठीक है। मैं अलाउ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक है। अगर आपको और भी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है, और भी आपके सामने कोई भी स्क्रीनशॉट है, तो वो भी आप यहाँ से ही इसे कर सकते हैं सिलेक्ट ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं थैंक यू फॉर लेटिंग यू एस ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, तो आपकी जो प्रॉब्लम है फिर सॉल्व यहाँ पर हो जाएगी। आपको 10 से 12 घंटे तक आपको यहाँ पर इंतज़ार कर लेना है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा
ठीक है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मेल भी आ जाएगा, अगर आपकी जो मेल है वो फेसबुक से ऐड होगी तब, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बार में, ठीक है, इस पर, ठीक है। तो दोस्तों जिस भी तरीके की अगर आपको दिक्कत होगी तो वो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तब। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।